अकाली दल नू गुरदासपुर जिले च बहुत वड्डा बल मिलिया। मैंबर SGPC भी हैगे ते अपने इलाके विच दो तीन हल्के जिहड़े उत्थे गुरदासपुर दे नेड़े दे उहनां दी बहुत वड्डी इहनां दी होल्ड है ते अज श्रोमणी अकाली दल च आए आ। इहनां नू मैं जी आयां कहिंदा, एक तो बहुत वड्डा बल मिलिया ते नाले मैं चीमा साहब नू बेनती करांगा कि इहनां नू पार्टी दा वाइस प्रैजीडेंट भी उन्होंने लिस्ट पा के उन्होंने अनाउंस किया जाए, क्योंकि इन्हां दी ग्रास रूट लैवल ते जुड़े हुए इंसान है। अज तीन चार मुद्दों ते मैं अज गल करना चाहना। सब तो पहला जिहड़ा अहम मुद्दा है वो है कोविड की लड़ाई। कोविड की लड़ाई कल्ली ऐ नहीं है कि आप कल्ला ऑक्सीजन प्रबंध कर दिए खत्म होगी या दवाई प्रबंध करके खत्म होगी। कोविड की लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, प्लैनिंग नाल लड़न वाली लड़ाई है। तो मैं कह सकता इस कोविड की जंग विच पंजाब सरकार नाकाम रही है, फेल हुई है। तो इस फेलियर का वड्डा कारण मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दी मंत्रियों की नीयत। जिस जंग विच जरनैल आप अगे होके अगवाई ना करे, उन्हां दे सिपा सलार अगे होके अगवाई ना करन, वह जंग कितें जीती नहीं जाती। आ वड्डी कारण नुकसान अपनी 13,000 मौतों का होया है। वड्डा कारण है कि मुख्यमंत्री अपनी जान बचाउण ते लगे रहे, पंजाब की जनता की जान बचाउण दा उन्होंने कोई फिक्र नहीं सी। इत्थे जिवें मैं पहले कहा, ना होस्टल का प्रबंध सी, ना दवाइया का, ना ऑक्सीजन का कोई प्रबंध नहीं सी। चलो मैं वधाई दिना श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते बाकी प्राइवेट संस्था जिन्होंने इस मैदान जंग विच आके मदद की, इस औखी घड़ी विच साथ दिता। मैं हुण भी बेनती करना चाहना, अज जंग लड़न जितनी है तो एक इको ही कारण आप जित सकते हैं कि आप अपने पंजाबियों वैक्सीनेट कराइए, इंजैक्शन लवाइए, वैक्सीनेशन लवाइए। पर उत्थे भी मैं देखिया जिवें पहली हस्पताल नहीं बनाने या ऑक्सीजन का प्रबंध किया, उवें ही उही कमी हुण उही उसी दिशा च पंजाब सरकार दी चल रही है। हुण वैक्सीनेशन च भी वैक्सीनेशन पंजाब सरकार कल्ली डिक्की आंदी है, सेंटर सरकार करे तो फिर असीं करांगे। जिम्मेवारी सब तो पहले मुख्यमंत्री दी है। मैं मुख्यमंत्री नूं बेनती करदा इमीजिएटली अगले 3-4 दिनां दे अंदर कैबिनेट मीटिंग बुलाओ, 1,000 करोड़ रुपया तुसीं एलोकेट करो वैक्सीनेशन लैण वास्ते। पंजाब सरकार मिशन बनाए कि दिसंबर तक 6-7 महीने दे अंदर असीं सारे पंजाब नूं वैक्सीनेट कर देना है। मिशन प्रोग्राम सारा काम छड़ के सारे मंत्रियों का, सारे अफसरों का, हर डिप्टी कमिश्नर का, SDM का, सारे का मिशन होना चाहिए कि असीं 6 महीने च वैक्सीनेट करना है। वैक्सीनेट करने वास्ते सब तो वड्डी लोड़ है वैक्सीन खरीदनी। वैक्सीनेशन अवेलेबल है, स्पुटनिक वैक्सीनेशन भी आ गया, कोवैक्सीन भी बनी जाते हैं, पर पैसे की कमी है। क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, सरकार की नीयत की कमी है। आप कैप्टन साहब देख रहे हैं कि जो सेंटर सरकार सानू मुफ्त दे दे चला लीए, नहीं चलना, वो तो थोड़ा ही देंगे। तो सारे सूबे जिन्ने सारे सूबे है, महाराष्ट्र, मैं बॉम्बे की म्युनिसिपल कारपोरेशन दे मैं बधाई देना चाहना, जिस तरीके उन्होंने लड़ाई लड़ी है, जिस तरीके उन्होंने बॉम्बे म्युनिसिपल कारपोरेशन ने 600 करोड़ रुपया वैक्सीनेशन खरीदने वास्ते एलोकेट करके उन्होंने वैक्सीनेशन का प्रबंध करा। जे कारपोरेशन बॉम्बे म्युनिसिपल कारपोरेशन कर सकती है तो पंजाब सूबा क्यों नहीं कर सकता। सो 1,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन आऊगी। तो मैं कह सकता है, तो मैं अज आ भी ऐलान करता श्रोमणी अकाली दल के सारे वर्कर उस वैक्सीनेशन ड्राइव में अगे होकर हिस्सा लेंगे। असी पिंड पिंड प्रेरण करांगे, प्रेरणा करांगे लोगों नूं। तो जिहड़ी गलत फहमियां वैक्सीनेशन के खिलाफ फैलाई जा रही हैं, वह गलत फहमियां दूर करन दा असी पूरा प्रयत्न करांगे। पर होना मुख्यमंत्री दे, मैं एग्जाम्पल देना चाहना। 8 दिन पहले
असी फैसला किया जो अखबारों मैं पढ़िया कि वैक्सीनेशन मिल नहीं रही, वैक्सीनेशन की कमी है। मैं फिर टेलीफोन किए पांच चार जगह से, मैं स्पूटनिक कंपनी ना भी गल की, मैं कोवैक्सीन ना गल की, वो कहने साढ़े को पे है। मैं क्या फिर आ क्यों नहीं, कहना पेमेंट भेजो तो ले लो। मैं शायद चेक करना चाहता कि शायद पेमेंट सही करे है। मैं असी SGPC ने पेमेंट भेजी तो चार दिन के अंदर अंदर एयरलिफ्ट होकर गुरु रामदास हॉस्पिटल वैक्सीनेशन पहुँच गई है। अगले हफ्ते SGPC आप वैक्सीनेशन शुरू करूंगी। जे SGPC कर सकती है फिर क्यों पंजाब सरकार कितने सुते पी है। इस करके सब तो वड्डी प्रायोरिटी मुख्यमंत्री मैं बेनती करता वैक्सीनेशन की रखन। दूजी प्रायोरिटी, पहली जड़ी वेव आई है या सैकेंड वेव अपनी आई है कोविड की, जिदे पिछले एक महीने के अंदर तकरीबन 4000 मौत हो गई पंजाब कल। सब तो ज्यादा मौत पूरे देश में सब किसी सूबे हुई तो पंजाब हुई 4000 मौत। कारण की है, अपने जिन्हें हस्पताल है इतने लोड सी वेंटिलेटर की, 22 जिलों में 17 जिलों में कोई वेंटिलेटर नहीं है ना कुछ चलाने वाले है। सो मैं मुख्यमंत्री को दूजी बेनती करना चाहना है, इमीजिएटली 2000 वेंटिलेटर का ऑर्डर देन। विद इन 3 मंथ्स वो वेंटिलेटर इंस्टॉल किए जा, 2000 हर हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट वेंटिलेटर होन, ते इमीजिएटली 2000 जो वेंटिलेटर चलाने वाली रिक्रूटमेंट इमीजिएटली ऑर्डर करके उन्होंने ऑर्डर कर, क्योंकि जी थर्ड वेव जे लोग कह रहे हैं जो थर्ड वेव आऊगी वो बच्चों बड़ा उदा खतरा हो सकता है। तो जे अज नहीं तैयार होंगे आप थर्ड वेव वास्ते तो यह तो वड्डा नुकसान, दूजी वेव नाल भी वड्डा नुकसान अपना हो सकता है। तो दूजी गल मुख्यमंत्री नूं वेंटिलेटर का मैं अज कह रहा, मैं बेनती कर रहा, मैं उम्मीद है कि सुन गए, पर मैं जायजा देखा 15-20 दिन के हालात देखी है। सरकार ने जो जो मैं बेनतियां कीतियां कोई उन्हें तरफ परवाह नहीं की। प्राइवेट हस्पताल 6-6 लाख 7-7 लाख एक मरीज तो ले रहे हैं, कितने कितने 21 लाख। बॉम्बे म्युनिसिपल कारपोरेशन ने की किया, मैं एग्जाम्पल एक कारपोरेशन देना चाहना, जिन्हें प्राइवेट हस्पताल मुंबई च है सारे टेक ओवर कर लिया, सारे उन्होंने कंट्रोल एक्ट लिया, सारे लोग उत्थे भेज दते, कोई प्राइवेट बंदा चार्ज नहीं कर सकिया। क्यों नहीं कर सकते आप पंजाब, क्यों नहीं आप हस्पताल अपने कंट्रोल लैके तो आप फिक्स करके सारा आ बीमारी है आ कोई किसी की अपनी बीमारी आता नैचुरल हूँ आप अपनी बीमारी हो गई है तो अपने पंजाब के बच्चों अपने पंजाब के परिवारों मौत का सामना करना पै रहा है अनगहली इस पंजाब सरकार करके। तो इस करके मैं बेनती करता आपू अगली तीजी जी वेव तो पहले पहले सारिया तैयारी होनी चाहिए है। मैं एक भी करना चाहना कि जो बिजली के रेट आप वाटर से होर टैक्सिस जोड़े है पंजाब सरकार ले रही है वो सारे टैक्स इमीजिएटली 6 महीने वास्ते बंद कर देने चाहिए है। कोई बिजली बिल भी बंद कर, क्योंकि गरीब है बेचारा कोई टैक्सी चला टैक्सी नहीं चला सकता क्योंकि लॉकडाउन है, वो किश्त नहीं भर सकता, बिजली का बिल कितों भरूगा, दुकानदार नहीं अपने कोई किश्त भर सकता, बिजली का बिल कितों भरूगा। सो आप फैसला मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। मैं सेंटर की सरकार को एक बहुत वड्डी मैं बड़े दुख ना कहना पैंदा है कि वैक्सीन जेड़ा है इसते GST लगे, 5% GST वैक्सीन ते है कि सेंटर सरकार वैक्सीन तो भी पैसा कमाना चाहती है। हुण जे 5000 या 50,000 करोड़ लगेगा वैक्सीन देने वास्ते, देखो 2500 करोड़ का कला टैक्स ले जाएंगे। हुण जो SGPC ने जो लेते हैं वो मैं हैरान रह गया, जो टैक्स GST भर के सू भरना पे SGPC वैक्सीन वास्ते। मैं गवर्नमेंट ऑफ मोदी साहब कहना चाहना वैक्सीन से GST हटा देना चाहिए, वेंटिलेटर से GST हटा देना चाहिए, जिन्या लाइफ सेविंग ड्रग्स है जिन्या लोड़ है उन्होंने GST हटा देना चाहिए, नहीं तो मैं कहना कि उन्होंने दिल चो दर्द नहीं जो होना चाहिए। तो जिहड़े मैं जिहड़ी मैं दूजियां मंगां पिछले 5-7 दिनां च मैं कह रहा पंजाब सरकार नूं, जिहड़े हले तक उन्हें नोटिस नहीं दिता कि जिहड़े भी लोगों के परिवार यतीम हो गए लोग या जिन्हां दे बच्चे कल्ले रह गए, वो बच्चों की पढ़ाई पूरी मुफ्त होनी चाहिए है कॉलेज तक,
जिहड़े परिवार दे ब्रेड अर्नर परिवार खत्म हो गए उन्हां नूं परमानेंट 6000 रुपया महीने की पेनशन पंजाब सरकार नूं लाउणी चाहीदी है। ते जिहड़े अज दवाई जिहड़ा ब्लैक फंगस बड़ी खतरनाक दवाई बारी है। ते सब तो मैं कई CMC DMC मैं सारे हॉस्पिटल ना पिछले 2 दिन गल की कि ये समस्या की है, क्योंकि मैनू टेलीफोन आ रहे हैं लोगों के कि सानू इंजैक्शन दवा दो, सानू आ दवा दो। ब्लैक फंगस के इंजैक्शन अवेलेबल नहीं है। पंजाब मुख्यमंत्री जी ने इमीजिएटली सैकटरी मंत्री जोड़ा है अपना हेल्थ मिनिस्टर इमीजिएटली भेजना चाहिए, पता करो कितने ब्लैक फंगस के इंजैक्शन अवेलेबल, पेमेंट कर लाके स्टॉक कर। जिहड़े मेन दिया सूबे है जिहड़े अगे वधू वाले मुख्यमंत्री है उन्होंने सारा इंतजाम करी बैठे है। जय जय रौले पंजाब पै रहे दूजे सूबे क्यों नहीं है, क्योंकि वह उन्होंने मुख्यमंत्री आप अगे होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अपना मुख्यमंत्री घरे फार्म हाउस बैठे 6 महीने 1.5 साल के। दूजी गल जिहड़ी मैं आना चाहना आ हैगी किसानी जंग दी। मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब नूं बेनती करना चाहना जिद छड़ दिओ, 6 महीने हो गए, 26 तरीक नूं 6 महीने हो जाणगे आ जिहड़े किसान अपनी मंगां वास्ते 6 महीने 400 किसान शहीद हो गए है। एक जान भी बहुत वड्डी गल हुंदी है, तां 400 किसानां ने अपनी जानां दे दित्तियां, उन्हां नूं लाठियां भी तुसीं मारियां, उन्हां दे तुसीं सारा कुछ जो कर सकदे कीता है। आ किसान देश दे अपने बच्चे है और वह लोग है जिन्होंने देश नूं अज खड़ा कीता, जो अज खड़ा है उस करके खड़ा है। तो इस करके जिहड़ियां कंडीशनां ला रहे हैं कि असीं किसान, मैं कहना वड्डी गल है किसानां ने चिट्ठी लिखी है कि असीं गल करन नूं तैयार हैं, पर अफसोस नाल कहना पैंदा कि देश के प्रधानमंत्री ते उन्हां दी टीम कंडीशनां लाउण लग गई। एडे किड्डे वड्डे हो गए कि असीं कंडीशन लावांगे, पहले आ करो फिर साडे नाल गल करना। हो डेमोक्रेसी विच कंडीशनां नहीं हुंदियां, डेमोक्रेसी विच जिहड़ी सरकार हुंदी उहदा फर्ज है लोकां दीआं भावनां नूं समझ के उन्हां नूं नाल जोड़न दा। इत्थे डांग नाल गल करन दी कोशिश कर रहे है। तो मैं बेनती करना चाहना कंडीशन बिल्कुल बंद होनी चाहिए है, कोई कंडीशन अनकंडीशनली टॉक्स मोदी साहब नूं करनी चाहिए है, कोई कंडीशन नहीं लानी चाहिए। मैं एक दूजी गल करदा पंजाब सरकार नूं बेनती करदा मुख्यमंत्री जी नूं, मुख्यमंत्री जी तुसीं मिंटां च बयान दे दिंदे हो, मैं लगता थोनू पता ही नहीं होना कि कल किने बयान दिता, परसों की दिता, चौथे की बयान दिता। बयान दे दें कि जेडे बयान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिता कि हर किसान जिहड़ा शहीद होगा उन्हूं मैं 5 लाख रुपया दूंगा, उन्हूं सरकारी नौकरी दूंगा। 400 तो वध शहीद हो गए है, मैं लगता 150 नूं 5 लाख मिले, बाकी तो मिले ही नहीं। नौकरी एक नूं नहीं मिली, पेंशन एक नूं नहीं मिली, कल्ले बयान आदत बनती है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की, झूठ ते झूठ। गुड़का साहब भी झूठी सौ खा के देखो किड्डे वादे किए थे, एक नहीं पूरा किया। हुण इस संघर्ष में जाना चले गई, लोगों के केस हो गए, कोई विड्रॉ नहीं हुए, केस विड्रॉ होने चाहिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी विड्रॉ करे, पंजाब सरकार भी विड्रॉ करे, आ जिहड़े आ जिन्ने भी है अपन आ जिहड़ियां अज पैसे देने पेंशन देनी है नाल दा पंजाब सरकार नूं लागू करनी चाहिए है। तीजी गल मैं कहना चाहना मुलाजमान के पिट से फिर तो छुरा मार रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह, अनाउंस किया कि असी पे कमीशन लागू करांगे, पे कमीशन की रिपोर्ट ले ली पर रिपोर्ट हुण खूह खाते पाती, कोई फैसला नहीं किया पे कमीशन। जो पे कमीशन की रिपोर्ट आती है वो बाद सरकार फैसला करती है कि इस पे कमीशन की रिपोर्ट के अधीन आ चीज़ा कही गई तो आ चीज़ा असं मनी इन्नी पेंशन इन्नी सैलरी आ होगी, कुछ नहीं किया इन्होंने 6 महीने हो गए कुछ नहीं किया, कल खूह खाते पा दी। तो उन्होंने मन है कि 6 महीने टपा दो होर जाते जाते आप देखा की करना है। उवें ही कैप्टन साहब तुसीं अपने चोन पत्र विच वादा कीता सी कि असी जिन्ने कंट्रैक्चुअल इंपलॉइज है
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 4 ਸਾਲ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਜਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਇਸ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਭੇਜ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸਪੂਟਨਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਡਰਾਈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਜੋ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂਹੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬੰਬਈ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੰਬਈ ਮਿਊਨਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬੰਬਈ ਮਿਊਨਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੰਬਈ ਮਿਊਨਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਸਪੂਟਨਿਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਰਚਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਐਸ ਐਚ ਓ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ ਐਚ ਓ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਮੋਹਰ ਲੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਆਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪਾਉਣੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਓ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਡਰ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ
मुख्यमंत्री सब तो पहले जिन्होंने अपने 2 महीने वैक्सीन लवा ले, अखीर च मुख्यमंत्री नूं सब तो अखीर च लाउणा चाहीदा सी। इत्थे सब तो पहले अपने आप नूं सेव करके बह गए, हुण भावें जो जीवन मरन ओहनूं कोई फिक्र नहीं। सेवा का कुछ मिसयूज हुंदा? सेवा जे कोई सेवा हो रही है सिर्फ उन्होंने मिर्चा क्यों लगी जांदियां? तुसी आप कितने आम आदमी पार्टी का कल्ले असीं नहीं, साडे श्रोमणी अकाली दल दे वर्कर लंगर सेवा कर रहे हैं। हुण जिहड़ा दूजा सेवा जिहड़ी श्रोमणी, मैं वधाई देना श्रोमणी अकाली दल दे वर्करां नूं, कई हलका चार्जर ने ऑक्सीजन दी मशीनां आप खरीद लिया तो घर घर ऑक्सीजन की सेवा शुरू कर दी है। जे श्रोमणी अकाली दल दे लीडरशिप वर्कर घर सेवा कर रही है, किसी ने रोकिया आम आदमी पार्टी नूं? किसी ने रोकिया कांग्रेस नूं? कितने एक मिनट मैनूं दस दिओ, एक मिनिस्टर पिछले 6 महीनों किसी हस्पताल गया होए, एक इन्हों का सैकटरी गम जो इतने बैठे दिल्ली चंडीगढ़ बैठे सैकटरी, एक जरा कोई दफ्तर अफसर गया हो उन्होंने हस्पताल, एक डिप्टी कमिश्नर दस दौ पूरे पंजाब जरा एक हस्पताल जाके देखा हो कि हालात की है। मैं भी कह रहा, असी 4 साल दे कह रहे सी कि सब तो निकम्मा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है, तो सब तो निकम्मे उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर है, सब तो निकम्मी पार्टी कांग्रेस है जिहड़ी असी 4 साल अज कह रहे सी। ते हुण कौन कह रहा? कांग्रेस के अपने मंत्री, अपने MLA सानू कहन दी हुण लोड़ ही नहीं, आप ही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देख लिया, पहले तो 4 साल लुटिया उन्होंने, 4 साल तो बोले नहीं, जदों उन्होंने रेता भी पट्टिया, शराब भी पट्टी, पहला नशे भी मुकाए, सारा कुछ गलत किया, उदो सारे चुप रहे। हुण जो 6 महीने रह गए, उन्होंने पता है सरकार बदलूगी, इन्हों के सारे पोल खुलेंगे, सारे जिन्होंने रेता पट्टिया तो जिन्होंने इलीगल माइनिंग की दूजे काम किए सारे अंदर होंगे। हुण डरदे, हुण वह किश्ती लभदे फिरदे जिहड़ी उन्होंने बेड़े पार करेगी। आ जी रिस्पोंसिबिलिटी है, मैं सारे कांग्रेस के MLA कहना चाहना, थोड़ी भी उन्नी रिस्पोंसिबिलिटी है जो सरकार की फेलियर है, सारे कैबिनेट की रिस्पोंसिबिलिटी है, क्योंकि हर फैसला कैबिनेट का होंदा है, तो मुख्यमंत्री का सब तो वड्डा रिस्पोंसिबिलिटी तो उन्हां दी है। जे कांग्रेस के MLA मंत्री कह रहे तो मुख्यमंत्री एक दिन भी कुर्सी से रहना नहीं चाहिए, क्योंकि यदा मतलब है उन्होंने अपनी सरकार को डिस्ट्रस्ट हो गया, तो इमीजिएटली मुख्यमंत्री इस्तीफा देना चाहिए। मैं वही बेनती की थी कि तुसी ऑल पार्टी सदो, क्योंकि आ लड़ाई हर पार्टी जे सहयोग आ जाए, पिंड पिंड असी कट्ठे लग जाइए तो आ जंग जीती जाऊगी, पर क्योंकि मुख्यमंत्री ने कोई परवाह तो फिक्र है नहीं, वो तो अपनी पार्टी की मीटिंग नहीं सदा, तो ऑल पार्टी कितने छड्डू? बिल्कुल नहीं। थैंक यू। मैं सुरजीत सिंह कबलवाला जिला गुरदासपुर तो हलका सरिया जबिंदपुर के कादियां तो श्रोमणी कमेटी मैंबर आजाद तौर पर जितया सी। आजाद जितना कोई छोटी गल नहीं, तो आजाद जित के मैं तो इस श्रोमणी कमेटी में पहुंचा सी। उस तो बाद मैं कांग्रेस कमेटी का सैकटरी रह चुका। सरदार प्रताप सिंह बाजवा जो प्रधान बने से उन्होंने मैं सैकटरी नाल लाया सी, ते मैं सैकटरी के उहदे ते भी रह चुका वख वख अहुदिआं ते, जिवें कि लैंड मार्केट बैंक मजीठा साहब ने जिदा दस्सिया है, साडे प्रधान साहब ने बादल साहब ने दस्सिया है, उस तरह वक्रे वक्रे अहुदिआं ते मैं आजाद तौर पर इलैक्शन जितता रहा। मैं किसानी विच भी संघर्ष किया है, बहुत सारे महकमें आजाद तौर पर काम किया है। अज मैं कांग्रेस नूं छड्ड के ते सरदार सुखबीर सिंह बादल जी जो साडे प्रधान ने, मजीठा साहब साडे जो माझे दे जरनैल ने, ते इत्थे साडे सत्कारयोग MLA साहब लोधी नंगल साहब ढिल्लो साहब बैठे ने, जिन्हां दी रहनुमाई थले अज मैं इत्थे अकाली दल विच ज्वाइन करदा।
ਤੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਮਾਣ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਲੋਧੀਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਡੇਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚੇਂਜਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਵਰੀ ਮਿੰਟ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਐਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਲਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਡੇਲੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਲਾ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਏਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਏ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਗਲਤ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਡਾ ਇਹ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਫਲੈਗ ਲਾਉਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।